गोरे गोरे वो बाके छोरे कभी मेरी गली आया करो। वो कदकाठी में बेहद साधारण थी, लेकिन उनके चेहरे पर गजब की सुंदरता और आत्मविश्वास की चमक थी। गाना बजाए बंसरी और बाले बजाए मंदिर उनकी अदाएं इतनी मोहक थीं कि करोड़ों दर्शक उन पर जान तक लुटाने को तैयार रहते थे। नजर लागी राजा छोरे बंगले पर, नजर लागी राजा छोरे। वो अपनी पहली फिल्म से ही स्टार बन गई थीं और उनकी मौजूदगी फिल्म के हिट होने की गारंटी माना जाता था। बेईमान बालमा गई जान जालमा, बेईमान बालमा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस अदाकारा को फिल्म इंडस्ट्री में गायिका के तौर पर एंट्री मिली थी और इनके गाए गीत खासे लोकप्रिय भी हुए थे। क्या आप सोच सकते हैं कि इन अदाकारा पर एक मशहूर निर्देशक और दो मशहूर अभिनेताओं से रोमांस करने की चर्चाएं हुई और उनमें से दो के साथ तो इन्होंने ब्याह भी रचाया था। और क्या आप यकीन करेंगे कि इन मशहूर फिल्म स्टार का पूरा परिवार फिल्मों से जुड़ा रहा, लेकिन उम्र के आखिरी पड़ाव में ये बिल्कुल अकेली रह गईं और इनकी मौत का रहस्य बरसों बाद सुलझ पाया। कौन थी ये अदाकारा और क्यों इन्हें भरपूर शोहरत, दौलत और मोहब्बत मिलने के बावजूद उम्र भर अकेलेपन का दर्द सताता रहा? क्या था इनकी मौत का रहस्य और क्यों बनी रही वो वर्षों तक पहेली? जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज इंडियन और मैं हूं श्वेता जया। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 50 और 60 के दशक की हार्ट थ्रॉब मानी जाने वाली और दर्शकों ही नहीं फिल्में सितारों के भी दिलों में बसने वाली अदाकारा नलिनी जयवंत की। क्यों उन्हें दो शादियों के बावजूद अपने पति के बदले उस दौर के मशहूर फिल्म स्टार अशोक कुमार का करीबी माना जाता था? क्या था उनकी गुमनाम मौत का राज और क्या सचमुच उनकी मौत के बाद उनकी लाश 3 दिन तक उनके बंगले में सड़ती रही? क्यों उनकी सगी रिश्तेदार कही जाने वाली अदाकाराओं काजोल, तनीषा, नूतन और मोनीश बहल आदि ने उन्हें अकेला छोड़ दिया? ये सब कुछ जानने से पहले आइए एक नजर डालते हैं नलिनी जयवंत की जिंदगी और उनके फिल्मी सफर पर। पापा नी, पापा सा, पापा रे। मुंबई के गिरगांव इलाके में जन्मी और पली बढ़ी थी नलिनी जयवंत और उनके पिता दादा साहेब जयवंत कस्टम अधिकारी थे। दो भाइयों के बीच वो अकेली बहन थीं। 30 और 40 के दशक की मशहूर अभिनेत्री रतनबाई नलिनी की सगी बुआ थीं, जिनकी बेटी शोभना समर्थ ने भी फिल्म जगत में खासा नाम कमाया। नलिनी को बचपन से ही नृत्य संगीत का शौक था और उन्होंने मोहन कल्याणपुर से कथक की शिक्षा भी ली थी। इसके साथ ही उन्होंने हीराबाई जवेरी से गायन भी सीखा था। उनके मुताबिक स्वास्तिक, ड्रीमलैंड और इम्पीरियल सिनेमा हॉल मेरे घर के ही आसपास थे, इसलिए मन में फिल्मों के प्रति खिंचाव भी था। लेकिन उस जमाने के माहौल को देखते हुए कोई सोच भी नहीं सकता था कि मैं कभी फिल्मों में काम करूंगी। हालांकि शोभना समर्थ मेरी सगी बुआ की बेटी थी जो तब तक फिल्मों में अच्छा खासा मुकाम हासिल कर चुकी थी, लेकिन उनसे भी मेरे पिता खुश नहीं थे। उस जमाने में एक बहुत बड़ा नाम था प्रोड्यूसर चिमनलाल देसाई का, जिन्होंने सागर मूवी टोन, नेशनल स्टूडियो और अमर पिक्चर्स के बैनरों में जजमेंट ऑफ अल्लाह, मनमोहन, वतन, औरत,
व निर्दोष जैसी कई फिल्में बनाई थीं। मोतीलाल, महबूब खान, सितारा देवी, गायक अभिनेता सुरेंद्र, महान गायक मुकेश आदि कई कलाकारों को लॉन्च करने वाले चिमन लाल देसाई ने नलिनी को पहली बार एक सिनेमा हॉल के दर्शक गैलरी में देखा था। किस्सा यूं है कि चमन लाल और उनके पुत्र वीरेंद्र देसाई दोनों पिता पुत्र फिल्म देखने सिनेमाघर पहुंचे। शो के दौरान दोनों की नजर एक लड़की पर पड़ी जो तमाम भीड़ में भी अपनी दमक बिखेर रही थी। ये नलिनी जयवंत थी जिनकी आयु उस समय बमुश्किल 13-14 बरस की ही थी। दोनों पिता पुत्र की जोड़ी ने दिल ही दिल में इस लड़की को अपनी अगली फिल्म की हीरोइन चुन लिया और ख्यालों में खो गए। फिल्म कब खत्म हो गई और कब वो लड़की अपने परिवार के साथ गायब हो गई इसकी खबर तक दोनों को न हुई। एक दिन वीरेंद्र देसाई अभिनेत्री शोभना समर्थ से मिलने उनके घर पहुंचे तो देखा कि नलिनी वहां मौजूद थीं। नलिनी को देखते ही उनकी आंखों में चमक आ गई और बांछें खिल गईं। इस बार वीरेंद्र देसाई ने बिना देर किए नलिनी के सामने फिल्म का प्रस्ताव रख दिया। नलिनी के लिए तो ये मन मांगी मुराद पूरी होने जैसा था। डर था तो सिर्फ पिता का, जो फिल्मों के सख्त विरोधी थे, लेकिन वीरेंद्र देसाई ने उन्हें मना लिया। नलिनी जयवंत के मुताबिक एक रोज शोभना समर्थ के घर नूतन के जन्मदिन के मौके पर उनकी मुलाकात चिमन लाल देसाई से हुई, जो उन दिनों नेशनल स्टूडियो के बैनर में फिल्म राधिका की तैयारियों में जुटे हुए थे। नलिनी जयवंत की उम्र उस वक्त करीब 14 बरस की थी। चिमनलाल देसाई ने उन्हें फिल्म राधिका की मुख्य भूमिका में लेने की इच्छा जताई, जिसके लिए नलिनी के पिता ने साफ इनकार कर दिया। लेकिन चिमनलाल ने हार नहीं मानी। आखिरकार नलिनी के पिता को चिमनलाल की जिद के आगे झुकना ही पड़ा। साल 1941 में रिलीज हुई फिल्म राधिका का निर्देशन चिमनलाल देसाई के बेटे वीरेंद्र देसाई ने किया था। नलिनी जयवंत ने अशोक घोष के संगीत निर्देशन में फिल्म राधिका में हरीश, नूरजहां और मारुति राव के साथ मिलकर 4 डुएट्स व 3 सोलो गीत गाए थे। उनकी शुरुआती 5 में से 3 फिल्में राधिका, बहन और निर्दोष 1941 में आई थीं। फिल्म बहन में नलिनी ने 4 और निर्दोष में 6 गाने गाए। 1942 में फिल्म आंख मिचौली और 1943 में आदाब अर्ज आई। नलिनी जयवंत ने फिल्म आंख मिचौली में 7 और आदाब अर्ज में 4 गीत गाए थे। इन फिल्मों में काम करते करते कब उन्हें प्रोड्यूसर वीरेंद्र देसाई से प्यार हो गया पता ही नहीं चला। वीरेंद्र उनसे उम्र में बहुत बड़े थे और पहले से शादीशुदा भी थे, लेकिन 1945 में दोनों ने शादी कर ली। हिंदी के मशहूर कहानीकार उपेंद्रनाथ अश्क अपनी किताब फिल्मी दुनिया की झलकियां में लिखते हैं कि बीवी बच्चों के होते हुए दूसरी शादी कर लेने की वजह से वीरेंद्र देसाई को उनके घर और बिजनेस से बेदखल कर दिया गया था। ऐसे में उनके पारिवारिक बैनर्स नेशनल स्टूडियो और अमर पिक्चर्स से पति पत्नी का रिश्ता टूटना भी स्वाभाविक ही था। मजबूरन वीरेंद्र देसाई और नलिनी को फिल्म कंपनी फिल्मिस्तान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ा और वो फिल्मिस्तान स्टूडियो के पास ही मलाड में एक किराए के मकान में रहने लगे। अश्क के मुताबिक उस दौरान फिल्मिस्तान के बैनर में शिकारी, सफर और 8 डेज जैसी फिल्में बनी, जिनमें वीरा, पारो और शोभा आदि को बतौर नायिका लिया गया, लेकिन न तो नलिनी को अभिनय का मौका दिया गया और न ही वीरेंद्र देसाई को निर्देशन का। उन दोनों को बिना काम किए हर महीने 2,000 रुपया बतौर वेतन दे दिया जाता था। अश्क ने लिखा है कि उन दोनों को काम न मिलने की वजह शायद नलिनी की ये शर्त रही हो कि वो सिर्फ अपने पति वीरेंद्र देसाई के निर्देशन में काम करेंगी। अश्क ये भी जोड़ते हैं, हो सकता है कि फिल्म के पर्दे पर नलिनी की सफलता को देखकर शशधर मुखर्जी ने फिल्मिस्तान की पहली फिल्म चल चल रे नौजवान की नायिका नसीम का रास्ता साफ करने के लिए 2 साल का अनुबंध करके नलिनी को बिठा दिया हो। अश्क, जो उन दिनों वीरेंद्र देसाई के लिए किसी फिल्म की कहानी लिख रहे थे, ये भी कहते हैं, तभी मुझे पता चला कि ऊपर से खूब मजे से रहते दिखाई देने वाले डायरेक्टर वीरेंद्र देसाई और नलिनी जयवंत अंदर से बहुत परेशान और कुंठित हैं। और इस बीच नलिनी का नाम फिल्म दर्शक लगभग भूल गए। संभवतः देसाई के निर्देशन की शर्त रखकर नलिनी ने अपना बहुत अहित किया। उस दौरान उनकी सिर्फ एक फिल्म वीनस पिक्चर्स की फिर भी अपना है प्रदर्शित हुई, जो बहुत लंबे समय से बन रही थी और वर्ष 1946 में रिलीज हुई।
नलिनी जयवंत के मुताबिक महज 3 साल के अंदर साल 1948 में उनकी शादी टूट गई। फिल्मिस्तान का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने और वीरेंद्र देसाई से अलग होने के बाद उनके करियर ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ी। वर्ष 1948 में दिलीप कुमार के साथ उनकी फिल्म अनोखा प्यार रिलीज हुई, जो खासी लोकप्रिय रही। उसी साल त्रिलोक कपूर के साथ उनकी फिल्म गुंजन ने भी ठीक ठाक कारोबार किया। फिल्म गुंजन का निर्माण नलिनी प्रोडक्शंस के बैनर में हुआ था, जिसका निर्देशन वीरेंद्र देसाई ने किया था। नलिनी फिर से दर्शकों के दिलो दिमाग पर राज करने लगी। अगले साल यानी वर्ष 1949 में भारत भूषण के साथ उनकी फिल्म चकोरी आई, जिसमें कहानी हीरोइन के ही इर्द गिर्द लिखी गई थी। वर्ष 1950 में नलिनी की एक के बाद एक 3 फिल्में आईं और सभी बड़े बैनरों और ए ग्रेड के सितारों से सजी थीं। शेखर और भारत भूषण के साथ आंखें, देवानंद के साथ हिंदुस्तान हमारा और किशोर कुमार और सज्जन के साथ मुकद्दर रिलीज हुई। निर्माता निर्देशक देवेंद्र गोयल की फिल्म आंखें से ही संगीतकार मदन मोहन ने अपने करियर की शुरुआत की थी। नलिनी जयवंत ने फिल्म गुंजन में 6, चकोरी में 1 और मुकद्दर में 3 गीत भी गाए, लेकिन ये तमाम फिल्में कोई खास करिश्मा नहीं दिखा पाईं। सही मायनों में नलिनी को स्टार का दर्जा हासिल हुआ फिल्मिस्तान की ही फिल्म समाधि से, जो साल 1950 में प्रदर्शित हुई थी। गोरे गोरे वो बाकी छोरे, कभी मेरी गली आया करो। उधर उसी साल बॉम्बे टॉकीज के बैनर में बनी उनकी फिल्म संग्राम भी कामयाब रही। इन दोनों ही फिल्मों के हीरो अशोक कुमार और संगीतकार सी रामचंद्र थे। का दशक नलिनी के लिए बेहद व्यस्तताओं भरा रहा। साल 1951 से 1960 के बीच उनकी कई फिल्में रिलीज हुई, जो खासी सफल भी रहीं। 1951 में भाई का प्यार, एक नजर, जादू, नंद किशोर और नौजवान जैसी फिल्मों से नलिनी जयवंत ने जोरदार कमबैक किया। में भी उन्होंने दोराहा, जलपरी, काफिला, नौबहार और सलोनी जैसी फिल्मों के जरिए अपना जलवा बिखेरा। में उनकी राही और शिकस्त फिल्में आईं, जिन्होंने दर्शकों के बीच उनकी छवि एक सशक्त अदाकारा की बनाई। में उन्हें 6 फिल्में मिली, जो थीं बाप बेटी, कवि, लकीरें, महबूबा, नाज और नास्तिक। इनमें से कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर खासी सफल रहीं। होने लगा है मुझ पे जवानी का अवसर, झुकी जाए नजर। फिल्म नाज विदेश में फिल्माई गई पहली हिंदी फिल्म थी, जिसकी शूटिंग काहिरा और लंदन में हुई थी। 1955 में रिलीज हुई उनकी चिंगारी, जय महादेव, लगन, मुनीम जी, रेलवे प्लेटफॉर्म और राजकन्या जैसी फिल्मों ने नलिनी जयवंत को करोड़ों दर्शकों की धड़कन बना दिया। आँख खुलते ही तुम छुप गए हो, कहाँ तुम अभी थे यहाँ। अगले साल यानी 1956 में कई फिल्में बनी, जिनमें प्रमुख थीं भारती और दुर्गेश नंदिनी। चांदनी के लिए गजब है, हम ना उधर देखेंगे। इसके अलावा उस साल रिलीज हुई नलिनी जयवंत की फिल्में थीं आन बान, आवाज, 50-50, हम सब चोर हैं, इंसाफ और सुदर्शन चक्र। दिल दीवाना, दिल मस्ताना, मालीना, लगी पुछाना, बुरा जमाना जानीना। 1957 में उनकी फिल्मों कितना बदल गया इंसान, शेरू, मिस्टर एक्स, नीलमणि और मिस बॉम्बे ने उन्हें 7वें आसमान पर ला खड़ा किया। जब लड़की है मीठा ही, दिल होता है दीवाना, यही है ज़माना तू ही। 1958 में काला पानी और मिलन जैसी फिल्में आईं और दर्शकों के दिलो दिमाग पर नलिनी जयवंत छा गईं।
नजर लागी राजा तोरे बंगले पर नजर लागी राजा। 1959 में फिल्म माँ के आंसू में भी नलिनी एक सशक्त भूमिका में दिखी। 1960 के दशक में नलिनी जयवंत ने सिर्फ 5 फिल्मों में काम किया। 1961 में आई अमर रहे ये प्यार व सेनापति में उनका अभिनय देखते बनता था। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्में ज्यादा चल नहीं पाई। फिल्म अमर रहे ये प्यार का निर्माण अपने जमाने के मशहूर चरित्र अभिनेता राधा किशन मेहरा ने किया था। मेरे अंधेरे घर में चांद एक आया, मेरे इस फिल्म के निर्देशन की जिम्मेदारी उन्होंने अपने करीबी दोस्त प्रभु दयाल को सौंपी थी। कहते हैं इस फिल्म में राधा किशन जी ने अपने जीवन भर की कमाई लगा दी थी और इसकी विफलता ने उन्हें इतना जबरदस्त आर्थिक नुकसान पहुंचाया कि उन्होंने पैडर रोड स्थित अपने घर की छत से कूदकर जान दे दी थी। 1962 में रिलीज गर्ल्स हॉस्टल व जिंदगी और हम भी साधारण ही चले। 1965 में रिलीज बॉम्बे रेसकोर्स नलिनी जयवंत की बतौर हीरोइन आखिरी फिल्म रही। प्रभु दयाल फिल्म मुनीम जी में नलिनी जयवंत के साथ काम कर चुके थे। फिल्म अमर रहे ये प्यार के दौरान उन दोनों ने शादी कर ली। आगे चलकर प्रभु दयाल ने हम दोनों और दुनिया जैसी फिल्मों में अभिनय के अलावा बतौर सह निर्देशक काम किया, लेकिन नलिनी जयवंत फिल्म बॉम्बे रेसकोर्स के बाद फिल्मी दुनिया से अलग होकर अपनी गृहस्थी संभालने में व्यस्त हो गईं। खास बात ये रही कि दोनों ही शादियों के बावजूद नलिनी जयवंत कभी मां नहीं बन पाई और कहा जाता है कि इस बात का उन्हें जीवन भर मलाल रहा। करीब 18 साल बाद एक बार फिर से वो साल 1983 में प्रदर्शित हुई फिल्म नास्तिक में नायक अमिताभ बच्चन की मां की भूमिका में नजर आईं। यहां ध्यान देने वाली बात ये भी है कि साल 1954 में आई नास्तिक नाम की फिल्म में भी नलिनी ने काम किया था। उस फिल्म में नलिनी लीड एक्ट्रेस थी, जबकि इस फिल्म में नलिनी ने माँ का किरदार निभाया था। माँ हट जा सामने से, ये वही जालिम है जिसने तुम्हारी आंखों का नूर छीना, तुम्हारी मां का सिंदूर नोच लिया। मैं आज इसे जान से मार डालूंगा। माँ हट जा सामने। ये खून करके तेरा जी नहीं भरा तो दूसरा खून करना चाहता है। अमिताभ बच्चन वाली नास्तिक के बाद नलिनी ने खुद को हमेशा के लिए एक्टिंग से दूर कर लिया। नलिनी ने कहा था, वो फिल्म मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। मुझे मेरी भूमिका जैसी सुनाई गई थी वैसा फिल्म में कुछ भी नहीं था। मैं इस तरह से काम नहीं कर सकती, इसलिए मैंने खुद को फिल्मों से पूरी तरह से दूर रखना ही बेहतर समझा। साल 1983 में बनी फिल्म नास्तिक को छोड़ दिया जाए तो साल 1941 से 1965 के 25 सालों के अपने करियर में नलिनी ने 60 फिल्मों में नायिका की भूमिका निभाई। इनमें से साल 1946 में बनी फिल्म फिर भी अपना है को 1951 में भाई का प्यार के नाम से दोबारा प्रदर्शित किया गया था। अशोक कुमार और अजीत के साथ नलिनी जयवंत की जोड़ी खूब जमी। इन दोनों ही अभिनेताओं के साथ नलिनी ने 10-10 फिल्मों में काम किया। फिल्म निर्दोष और नंदकिशोर हिंदी के साथ साथ मराठी भाषा में भी बनी थी। तो नलिनी ने एक गुजराती फिल्म वार सदार में काम किया जो वर्ष 1948 में रिलीज हुई थी। इसके अलावा उन्होंने 9 फिल्मों में कुल मिलाकर 39 गीत भी गाए। साल 2001 में प्रभु दयाल के गुजरने के बाद नलिनी जयवंत अपने विशाल बंगले में बिल्कुल अकेली रहती थी। पासी में उनके भाई का बेटा और उसका पूरा परिवार रहता था जो नलिनी की देखभाल करता था। हालांकि मशहूर अभिनेत्री नूतन, उनके बेटे मोनिश बहल, बहन तनुजा और उनकी बेटियां काजोल और तनिषा आदि नलिनी जयवंत की करीबी रिश्तेदार थीं, लेकिन उनमें से कोई उनके बुढ़ापे में उनके यहां देखा नहीं गया। 18 फरवरी 1926 को जन्मी नलिनी जयवंत का देहांत करीब 85 साल की उम्र में 22 दिसंबर 2010 को हुआ, तो भी बहुत कम फिल्मी सितारे उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। मृत्यु के बाद होने वाले तमाम पारंपरिक अनुष्ठान उनके भतीजे द्वारा उनके घर से किए गए। नलिनी जी के निधन के फौरन बाद उनके बंगले पर लटके ताले को देखकर मीडिया में खलबली मच गई और बिना सच्चाई जाने नलिनी के निधन को रहस्यमय मौत करार दे दिया गया। मतलब ये कि जो रहस्य था ही नहीं उस पर ही सस्पेंस बना दिया गया और मीडिया की भेड़ चाल में इसे कभी सुधारा भी नहीं गया, क्योंकि उनके यहाँ कोई प्रवक्ता जैसा नहीं था।
बहरहाल इतनी मशहूर अभिनेत्री का यूं खामोशी से चले जाना भी बॉलीवुड की उस कड़वी हकीकत को बयां करता है जिसमें कहा जाता है कि यहां सिर्फ चढ़ते सूरज को सलाम किया जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर आपको नलिनी जयवंत जी के जीवन से जुड़ी कोई और बात पता हो तो वो भी अवश्य लिखें। अब दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट श्वेता जया को इजाजत। नमस्कार।